अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं लेकिन धन के अभाव के कारण आप सभी मैगजीन्स और अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे मुफीद पता है झांसी का गांधी वाचनालय। जी हाँ, सन 1980 में स्थापित गांधी भवन का यह वाचनालय लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, जहाँ वह आकर देश की प्रतिष्ठित मैगजीन्स और अखबार पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इतिहास पर रुचि है तो इतिहास से जुड़ी कई दुर्लभ किताबें भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं तो यहाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद गांधी वाचनालय आज भी अपने पाठक खोजता रहता है और इसके साथ ही स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है। जी हाँ, ये वाचनालय पिछले 8 सालों से सिर्फ 2 चपरासियों के भरोसे चल रहा है और वही इसका पूरा कामकाज देखते हैं। स्टाफ है यहाँ पर अभी? 2 स्टाफ है। आपके अलावा एक और है, तो आप क्या पोस्ट है आपकी यहाँ पर? हमारी 4th क्लास में है। अच्छा, तो प्यून वाले। तो यहाँ पर कोई परमानेंट स्टाफ रखा नहीं गया कभी? कोई स्टाफ रखा नहीं गया कभी? स्टाफ तो था पहले, एक बाबू था यहाँ पे, एक लिपिक लगा था, लेकिन अब लिपिक रिटायर होते जा रहे तो मजबूरी में चलाना है। नई नियुक्ति नहीं हो रही? नई नियुक्ति हो रही। अच्छा, बताइए बच्चे और युवा यहाँ पढ़ने आते हैं? आते। कितनी संख्या है, कोई लगभग अंदाजा, एक दिन में कितने लोग आते हैं? कभी 20 आ जाते, कभी 25 आ जाते, कभी 10 ही आते हैं। अच्छा, नए युवाओं को पता है इसके बारे में? एक तो पता तो सबको है गांधी भवन वाचनालय है, लेकिन अब समय का अभाव है और मोबिलाइजेशन ने लाइब्रेरी खत्म कर दी है। तो गांधी वाचनालय की देखरेख करने वाले रामचरण की माने तो मोबाइल ने लाइब्रेरी को ख़त्म कर दिया है। हालांकि आज भी कई लोग यहां पढ़ने आते हैं और ख़ासतौर से अगर विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले चाहें तो वो यहां वाचनालय में आ सकते हैं। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की